खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो। नमस्कार दोस्तों, मैं यशी कुशवा HP न्यूज 24 से ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। आज की ताज़ा खबरों में कुरावर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घर में चोरी करने वाले निगरानी बदमाश चोर को किया गिरफ्तार, इधर चोरी किया गया माल भी किया बरामद। राजगढ़ जिले के कुरावर नगर निवासी नितिन गुप्ता द्वारा थाने में उपस्थित होकर उनके घर में रात के समय हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें 12,200 रुपए नकदी, ATM कार्ड, आधार कार्ड आदि चोरी किया जाना बताया, जिस पर विवेचना के दौरान थाने के निगरानी बदमाशों की गतिविधियों एवं संदेह के आधार पर संदेही सौरभ उर्फ डाकू निवासी कुराबर से हिकमत अमली और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया और चोरी किया पूरा माल पुलिस ने मेमो के आधार पर एक खेत में बने खंडर से जब्त किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। आरोपी पूर्व में भी नकबजनी के अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है। संपत्ति संबंधी अपराध घटित होने के 24 घंटे के भीतर थाना प्रभारी कुरावर एवं टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी सौरभ उर्फ डाकू पिता प्रहलाद उर्फ पप्पू निवासी कुरावर को गिरफ्तार करने एवं प्रकरण का मसरूका 12,200 रुपये नकदी और ATM कार्ड, चेक, गल्ला पेटी इत्यादि को बरामद करने में थाना प्रभारी राम नरेश राठौर, ASI बप्पन ठाकुर, BS लांबा, आरक्षक मुकेश मीना, निर्भय यादव, संदीप विश्वकर्मा एवं पूजा मालवीय का सराहनीय योगदान रहा। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। 2020 को नितिन गुप्ता जी यही रहते, इनका बताया कि मेरे पापा जी सो रहे थे और घर के अंदर से गल्ला पेटी थी, उसमें नकदी, कुछ चिल्लर और 2,00,000 के चेक, एक खाली चेक रखा था। कोई चोर, अज्ञात चोर उसमें तोड़ के निकाल के ले गया। तो हमने उस मुकदमा कायम करके सबसे पहले हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश हुए, जो कप्तान साहब के, कि जितने HS हैं उनको बराबर चेकिंग करती रहे। तो अभी हमने एक HS बनाया था सौरभ, उसके पहले के भी रिकॉर्ड है, तो उस पर हमने फोकस किया। मैंने कि इसको तत्काल देखा जाए, तो वो समय नहीं मिला, लेकिन उसके तलाश करते रहे तो जाके वो सुबह मिला। तो उसको देख, उससे पूछताछ करी बड़ी बारीकी से, तो उसने बताया कि साहब चुराई है, उसी के द्वारा चोरी की गई थी। 12,000 रुपये, 2,00,000 के चेक, वो सेल्फ चेक था, अगर वो लगा लेता निकाल के रुक जाता फिर नहीं मिलता। और चेक वगैरह जितनी भी उनकी पेटी वगैरह सभी बरामद कर लिए, और वो बहुत सातिर किस्म का है। अभी पिछली बार छुरी लिए घूम रहा था तो उसको 25-8 से कटी, 5-6 दिन हुए उसको छूटे, तो उसको गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। वो जो चोरी मसूका गया था वो बरामद हो गया है। अभी जिनके अपराध हैं, चोरी संबंधित अपराध हैं ज़्यादा, तो उनको निगरानी खोली जा रही है। उन पर निगाह, जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश हैं, इन पर निगाह बराबर रखी जाए। इनके निगाह से ही सफलता मिली, अगर लेट हो जाती तो बाहर चला जाता, इससे उसको बंद करके भेज दिया।